अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं अरशद अली और मैं हूं दाना मुनील। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आपने भी डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम की वजह से मुस्लिम उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी। इसराइल ने फलस्तीनियों पर बहुत जुल्म किए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान का चनावाला में जलसे से खिताब, कहते हैं अगर हम चुप रहे तो मॉडल टाउन जैसे वाकयात होते रहेंगे। डॉक्टर ताहिरुल काजी को पैगाम देता हूँ, जब तक इंसाफ नहीं होता हम आपके साथ हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ऐवान सदर में ज्यादा बदउनवानी सेमिनार से खिताब, कहते हैं हमारे लिए हर करप्ट आदमी करप्ट ही है, चाहे वो किसी भी सूबे से हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। खुद एहतसाबी के निजाम से ही बदउनवानी का खात्मा मुमकिन है। खुद एहतसाबी हो तो नैब जैसे महकमों की जरूरत नहीं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को मंसूबे की तामीर जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया कि अदालत ने मंसूबे में कोई गैर कानूनी पहलू नहीं देखा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहते हैं बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ ने इस मंसूबे की भरपूर मुखालफत की। मंसूबे की मुखालफत और ताखिर ना होती तो 25 दिसंबर 2017 को ऑरेंज लाइन चल पड़ती और लाखों लोग इससे मुस्तफीद होते। सानिहा बल्दिया टाउन में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद सद्दीकी को दुबई इंटरपोल की जानिब से पाकिस्तान हुकाम की तहवील में दे दिया गया। दुबई इंटरपोल की जानिब से रुकन MQM हमाद सद्दीकी के रेड वारंट जारी होने के बाद ये कदम उठाया गया। 2012 में बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में मजदूरों को जिंदा जलाए जाने से के बाद तकरीबन 260 अफराद जलकर खाक सर हो गए। सानिया बल्दिया टाउन में मुलव्वस इंतहाई मतलूब मुस्लिम हमाद सद्दीकी को दुबई इंटरपोल की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम की तहवील में दे दिया गया। दुबई इंटरपोल की जानिब से रुकन MQM हमाद सद्दीकी के रेड वारंट जारी होने के बाद ये कदम उठाया गया। 2012 में बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में मजदूरों को जिंदा जलाए जाने के बाइस तकरीबन 260 अफराद जलकर खाकस्तर हो गए। भारतीय दहशतगर्द फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तमाम हदें पार। आज़ाद कश्मीर के इलाके चिड़ीकोट में हट धर्म भारतीय फौज ने जनाजे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 मासूम शहरी शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में एक खातून भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाद पाक फौज की जानिब से दंदान शिकन जवाब। पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई के नतीजे में एक भारतीय फौजी हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा जबकि भारतीय फौज की चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। अटक में थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके भारी मकदार में असलाह और मंशियात बरामद कर लिया गया। दोनों मुलजिमान के पास से 358 बोतल शराब, 30 बोर पिस्टल, 12 गोलियां और चर्स कब्जे में ले ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 घरों और 30 अफराद की बायोमेट्रिक चेकिंग भी शुरू की गई।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से बरहमी का इजहार। कहते हैं क्या सरकारी अफसरान अपनी जाती जायदाद भी इसी तरह कोड़ियों के मोल उजाड़ सकते हैं जिस तरह उन्होंने अरबों की कीमती सरकारी जमीनें अलॉट कर दी। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 9 दिसंबर को होने वाले फाटा कन्वेंशन के हवाले से वीडियो पैगाम। कहते हैं कन्वेंशन में फाटा के हवाले से 10 निकाती चार्टर कौम के सामने पेश करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंजमाम के नतीजे में मुल्क और फाटा दोनों को फायदा होगा। इंजमाम के मुखालिफ कबाइल इलाकों के साथ जुल्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल आलमी एजेंडे का खासाना है। कुछ कुवतें मुल्क में मजबूत जमहूरियत के मुस्तकबिल से खौफ सदा हैं। नवाज शरीफ इक्तदार से बाहर हो गए, अब किसे सजा देने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज शरीफ तो बहाना थे, असल निशाना पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं आसिफ जरदारी को पीपल्स पार्टी की हालत ज़ार पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को तबाह करके डांस कर रहे थे। आसिफ जरदारी हर फैसला ज़ाती मफाद को सामने रख कर करते हैं। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को पैसा बनाने वाली मशीन बना दिया है। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हकूक की बुनियाद पर कुलभूषण यादव की वालदा और बीवी दोनों को कुलभूषण से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई। इससे कबल ये इजाज़त सिर्फ कुलभूषण की बीवी को दी गई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं कुलभूषण से इसकी बीवी और वालदा की मुलाकात 25 दिसंबर को करवाई जा सकती है। इस हवाले से भारत को आगाह कर दिया गया है। थट्टा में कश्ती उलटने का वाकया, जांबहक अफराद की तादाद 22 हो गई। हादसे में लापता होने वाले 50 से ज्यादा अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कश्ती के मालिक समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की जानिब से यरूशलम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के बाद फलस्तीनी शहरियों का शदीद एहतजाज। इसराइली फौज की जानिब से निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग और रबर बुलेट्स का बेदरेग इस्तेमाल। इसराइली जाहिरियत के नतीजे में 31 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पाकिस्तान में भी आज मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमातों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी। भारत की शिमाली रियासत राजस्थान में सफाक शख्स ने अफराजुल हसन नामी मुसलमान मजदूर को कत्ल कर दिया। बाद अज़ा लाश को भी बेदर्दी से जला डाला और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। भारतीय पुलिस की जानिब से कातिल को हिरासत में ले लिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk। हमारे साथ रहिएगा।